अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, सभी को आदेश आदेश। मैं रुद्रनाथ गुरुदेव का शिष्य तेजसनाथ हूँ। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा महादेव के परम भक्त श्री रावणनाथ जी के बारे में, जो 84 सिद्धों में तीसरे स्थान पर आते हैं। रावणनाथ जी ऋषि विशर्वा और माता कैकसी के पुत्र थे। उन्हें दशानन नाम से संबोधित किया जाता था। रावणनाथ जी परम शिव भक्त होने के साथ साथ एक उद्भट राजनीति तज्ञ और महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली थे। शास्त्रों का प्रखर और प्रखर ज्ञाता और प्रकांड विद्वान थे। पंडित एवं महाज्ञानी रावणनाथ जी थे। रावणनाथ जी को 4 वेद और 6 उपनिषदों का पूर्ण ज्ञान था और साथ ही वो उत्तम आयुर्वेदाचारी भी थे। रावणनाथ जी भगवान शिव के परम भक्त होने के साथ साथ उनके परम शिष्य भी थे, जो तंत्र मंत्र के ज्ञाता और रचयिता भी थे। उनके रावण नाम के पीछे भी एक आख्यायिका मिलती है। एक बार की बात है, जब महाबली पराक्रमी वीर विक्रमी रावण ने भगवान शिव को अपनी लंका नगरी में बुलाने की कोशिश की, तब भगवान शिव ने कहा, अगर मुझे लेके जाना है तो तुम्हें मुझे कैलाश पर्वत समेत लेके जाना होगा। तो महाबली रावण ने विराट रूप धारण किया और कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगे। तब कैलाश पर्वत हिलने लग गया तो भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया और उस वक्त रावण के हाथों की उंगलियां कैलाश पर्वत के नीचे दब गई। उस वक्त भी रावणनाथ जी ने भगवान शिव की स्तुति गाते हुए उनकी आराधना की और उस वक्त जो स्तोत्र उन्होंने गाया वो भगवान शिव को इतना पसंद आया कि उन्होंने उन्हें वरदान किया दिया कि वो उस स्तोत्र को शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जाना जाएगा। और भगवान शिव ने उन्हें रावण नाम से संबोधित किया। रावण मतलब गर्जना करने वाला। रावणनाथ महा तेजस्वी पराक्रमी प्रतापी रूपवान तथा विद्वान थे। इस बात का उल्लेख वाल्मीकि की रामायण में भी आता है। जब श्री हनुमान जी रावण नाथ जी के दरबार में पहुंचे तब उनको देख के हनुमान जी ने उसकी स्तुति में कहा, अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महोद्युति अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षण युक्तता। क्या आप सभी को पता है रावणनाथ जी कला के क्षेत्र में भी महारथी थे। इस बात का प्रमाण माता सरस्वती के हाथ में रुद्र वीणा है। इसकी रचना श्री रावणनाथ जी ने अपनी, जिसका निर्माण रावणनाथ जी ने अपने सर भुजा और धमनियों के माध्यम से किया था। रावणनाथ जी रुद्र वीणा बजाने में भी पारंगत थे और इसीलिए भगवान शिव के अनुरोध पर रावणनाथ जी ने चारों वेदों को संगीतबद्ध भी किया था। रावणनाथ जी महान शक्तिशाली योद्धा थे और त्रिलोक विजयी थे। इस बात का प्रमाण है कि रावणनाथ जी ने स्वर्ग पृथ्वी पाताल में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। एक बार तो रावणनाथ जी ने यमराज को भी चुनौती दे दी थी और यमलोक जाके उनको परास्त कर वहाँ पे सजा पा रही सभी आत्माओं को उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया था। और जब रावणनाथ जी के पुत्र मेघनाथ की जन्म की बारी आई तब रावणनाथ जी ने सभी ग्रह नक्षत्र को 11वें स्थान में ठहरने के लिए कहा था, पर शनि देव 12वें स्थान में जाके रुके। तब रावण क्रोधित होके शनि देव से युद्ध करने शनिलोक चला गया और उन्हें परास्त कर उन्हें बंदी बना के लंका में कैद भी करके रखा था। रावण एक आदर्श भाई और आदर्श पति था, जो अपनी बहन के हुए अपमान के लिए प्रभु श्री राम से युद्ध करने चला गया। उसे ये पता था कि उसका इसमें अंत होगा, फिर भी उसने युद्ध किया। और जब श्री राम की पूर्ण सेना को परास्त करने के लिए रावण यज्ञ कर रहा था तब
अपनी पत्नी को बचाने के लिए रावण उस समय उस यज्ञ को छोड़ के उड़ गया। जिस यज्ञ को पूरा करने से रावण अजय हो जाता था। और भाई कुंभकर्ण को जब ब्रह्मदेव से वरदान मिला था कि सदा सोए रहने का, तब उसने फिर से ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करके उस अवधि को 6 महीने का करा दिया था। इसी से पता चलता है कि रावण जी अपने भाई बहनों और परिवार के सभी सदस्यों के प्रति कितनी फिक्र करते थे। श्रीलंका के साथ साथ रावण जी की पूजा दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में भी की जाती है। कानपुर का कैलाश मंदिर साल भर में एक ही बार सिर्फ विजयादशमी के दिन खुला जाता है और वहां पे रावण जी की प्रतिमा की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है।